अच्छा, आज हमने क्या करना है दाऊद? आज हमने स्टार्ट करना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद PCl3, PCl5, SOCl2। बेसिकली अल्कोहल्स को हेलोजन एल्केन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन देखें। ये देखो, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? तो है जी, यहाँ पर टॉपिक जो है आज का, अल्कोहल को आप कन्वर्ट करोगे हेलोजेनो एल्केन के अंदर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और इसको कन्वर्ट करने के कितने मेथड है मैं बताता हूँ, फोर मेथड्स है। फर्स्ट मेथड कि आप अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करो बाय रिएक्टिंग विद PCl5। सेकंड मेथड, अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करो बाय रिएक्टिंग विद PCl3। तीसरा मेथड है अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करने का बाय रिएक्टिंग विद SOCl2। और फोर्थ मेथड है अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करने का बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये फोर मेथड्स हैं। ये देखो, कल के जो 6 रिएक्शन थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, आज ये 4 और आप पढ़ोगे तो रिएक्शन ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसको मतलब अच्छे तरीके से याद करना है। इस तरह आपने ना इसको एक तो लिख के याद करने के बाद आपने इसको जुबानी याद करना है कि अल्कोहल को हेलोजन एल्केन में कैसे कन्वर्ट करना है। फोर मेथड्स हैं, उन मेथड्स के नाम आपको आने चाहिए, रिएजेंट्स के नाम। फिर जिस तरह कल हमने किया था कि अल्कोहल्स बनाने के कितने मेथड हैं, 6 मेथड हैं, उन 6 के 6 मेथड्स के नाम आपको जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक में ना आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फौरन आप रिएक्शन कर लोगे। तो अब हम ये करते हैं जी कि अल्कोहल टू हेलोजन एल्केन, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो किसके साथ है जी? PCl5 के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5 देखो कैसे होगा कि ये आपका है जी एथानोल, और PCl5 इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे। मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ ऐसे। अच्छा, और इसमें आसानी ये है कि नो स्पेशल कंडीशन इज रिक्वायर्ड, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, नो स्पेशल कंडीशन। रिएक्शन देखना क्या होगा जी, ये HCl निकल जाएगा यहां से, ये एक मॉलिक्यूल और बन जाएगा साइड प्रोडक्ट में POCl3, और ये जो एक क्लोरीन बचा है ना ये कार्बन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो साथ में HCl और POCl3, ये चीज बनेगी जी आपके पास। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन क्योंकि हीट तो आप नहीं दे रहे तो आपको कैसे पता चलेगा जो रिएक्शन हो गया है? इसके लिए आपको व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स, HCl जो होता है ना इसके व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स बनते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में आपको अगर व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स नजर आएंगे तो समझ जाना कि ये रिएक्शन हुआ है, क्योंकि व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स तभी बनेंगे जब HCl जो है फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहला रिएक्शन समझ आ गया? यस सर। सिंपल सा रिएक्शन है PCl5 के साथ, जिसमें जो है ना HCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है, और साथ में हेलोजेनो एल्केन बन रहा है। दूसरा रिएक्शन देखो। अच्छा, अभी दूसरा रिएक्शन में आपको पहले वो करवाता हूँ जो रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। इसमें से याद रखो कि जो फोर रिएक्शन मैंने आपको बताए हैं ना, इसमें जो PCl5 है और जो SOCl2 है, ये दोनों रूम टेम्परेचर पर होते हैं। ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन और SOCl2 के साथ रिएक्शन जो है ये रूम टेम्परेचर पर होंगे। और जो मैंने छोड़े हुए PCl3 और HCl, इन दोनों में हीट देनी होगी, तो उसको याद कर लेना ऐसे ही। अब SOCl2 में कैसे होगा देखो, रिएक्शन विद SOCl2,
ये जी SOCl2, इसका नाम पता है क्या? सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड। तो क्या होगा जी, देखो यहां से HCl निकलेगा, यहां से SO2 निकलेगा, और ये जो Cl है ना, ये इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ये आया समझ आपको कैसे रिएक्शन हुआ है? यस सर। अच्छा, ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ना SOCl2 के साथ हैलोजन और एल्केन बनाने के लिए, लेबोरेटरी में सेकेंड रिएक्शन को, मतलब SOCl2 वाले रिएक्शन को मतलब प्रेफर किया जाता है। क्यों? इसकी रीजन क्या है, क्यों इसको आप प्रेफर देते हैं, इसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं? उसकी रीजन ये है कि इस रिएक्शन में जो आपके साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दोनों गैसेज हैं। तो देखो गैसेज दोनों जो है ना वो बाहर निकल जाएंगी, तो आपके पास प्योर जो प्रोडक्ट है वो पीछे बच जाएगा, है ना? यस सर। जबकि जो पहला रिएक्शन था ना, फर्स्ट रिएक्शन, उसके अंदर देखो मसला ये है कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट के साथ एक साइड प्रोडक्ट POCl3 भी बन रहा है, इसलिए वो इतना प्रेफरेबल नहीं है। क्योंकि अगर साइड प्रोडक्ट बनेगा फिर आपको प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करनी पड़ती है, जो कि एक मुश्किल टेक्निक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ जी, नेक्स्ट PCl3 के साथ रह गया है और HCl के साथ रह गया है, पहले HCl के साथ करते हैं। रिएक्शन तो देखने में बड़ा आसान सा है, देखो ये होगा और Cl जो है कार्बन के साथ लग जाएगा आकर। साथ में वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन में ना बेटा एक मसला है, मसला वो ये है कि आप लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ये एक टॉक्सिक गैस होती है। HCl इज अ गैस, आपको ये बात पता है ना जी? HCl लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होता, क्योंकि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लिक्विड, क्योंकि लेबोरेटरी में उनको वो लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा होता है, वो एक्वस फॉर्म होती है, उसको वाटर में डिजोल्व किया होता है। HCl इज अ गैस, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये टॉक्सिक है। देखो अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे और अल्कोहल में डालने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, इसका चांस होगा कि आप भी HCl को इनहेल कर लो, या तो फ्यूम कप बोर्ड में करें, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि आप उसको इनहेल कर सकते हैं। तो उससे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप HCl को डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ना मेरे पास अल्कोहल, इसके अंदर मैं ऊपर से डायरेक्टली HCl नहीं डालूंगा, क्योंकि HCl डालूंगा तो मुझे भी इनहेल करने की पॉसिबिलिटी होगी कि मैं भी उसको इनहेल कर सकता हूं। तो इसलिए मैं इसमें HCl के रिएक्टेंट्स डालूंगा। HCl पता है किससे बनती है लेबोरेटरी में? सोडियम क्लोराइड और H2SO4, सॉलिड सोडियम क्लोराइड और H2SO4 में ऐड करूंगा, किसके अंदर? इस अल्कोहल में। रिएक्शन वैसे क्या होगा, कुछ आइडिया है? अगर NaCl और H2SO4 को आप मिक्स करते हो क्या चीज बनेगी? सर HCl बनेगा और बाकी, हाँ, देखो रिएक्शन ऐसे होता है कि HCl बनता है प्लस NaHSO4 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो HCl गैस बनेगी ना, ये इस रिएक्शन में यूज हो जाएगी। रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही आपने HCl को प्रोड्यूस करवाया और वो अंदर ही रिएक्शन कर जाएगी। तो इसका तरीका समझ आया है कि HCl आपने कैसे बेटा बनाई है? HCl असल में आप रिएक्शन मिक्सर के अंदर प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसको जनरली इनसीटू भी क्या कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसा रिएक्टेंट जो आप रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही प्रोड्यूस करवा लें, लेकिन इसके पीछे रीजन होती है कि क्यों प्रोड्यूस करवाया जाता है। सम टाइम वो टॉक्सिक होता है, सम टाइम आपको कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड गैस चाहिए होती है, इसलिए आप साथ ही अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं और साथ ही उसका रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है? सर ये NaH
फॉस्फोर रिएक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करता फिर? नहीं, ये तो सॉल्ट है, कुछ भी नहीं करेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ओके सर। अच्छा, अब आपको यही रिएक्शन इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो आपको अगर वो इस तरीके से पूछते मे बी वो HCl लिखे भी ना, वो CH3CH2OH एरो के ऊपर NaCl प्लस H2SO4 लिख दे, नीचे हीट लिख दे, तो अब आपको खुद फौरन ये याद रहना चाहिए कि अच्छा उसने NaCl और H2SO4 लिखा है, इट मींस कि ये क्या चीज बना कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बना कर देंगे और वो HCl इससे रिएक्शन करेगा, तो आपने रिएक्शन आगे फिर खुद ये लिखना होगा। ठीक हो गया ये बात? यस। अच्छा, अब आगे आ जाए लास्ट जो है जी, लास्ट वन ये है कि आपने अल्कोहल को हैलोजनो एल्केन में कन्वर्ट करना है बाय रिएक्टिंग विद PCl3। देखो ये तीन मेथड तो हो गए ना, एक हमारा हो गया PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, HCl के साथ, ये PCl3 के साथ रह गया, इसमें भी हीट देनी है आपने, यहाँ पर भी आपको हीट देनी थी। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 कैसे होगा, रिएक्शन देखें। अच्छा, इसमें क्या होगा देखें, एक तो ये हैलोजन एल्केन बनेगा, दूसरा H3PO3 बनेगा। अरे प्रोडक्ट याद रखिएगा, एक बनेगा हैलोजन एल्केन और साथ में बनेगा H3PO3। ये तो समझ आ रही है ना कि हैलोजन एल्केन कैसे बनना बेटा, यहां से जो Cl है वो इस OH की जगह चला जाएगा, है ना? यस। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? तीन है सर। तो यहाँ पर इसके पीछे मैं क्या लगाऊंगा, तो यहाँ पर भी 3 लग जाएगा। ठीक हो गया जी सर। अब यहाँ पर भी एक मसला है, वो ये कि PCl3 इज टॉक्सिक वोलेटाइल लिक्विड, टॉक्सिक है लेकिन वोलेटाइल लिक्विड है ये, मतलब टॉक्सिक भी है और इसके वेपर्स भी बनते हैं साथ में, टॉक्सिक वोलेटाइल लिक्विड है, तो इसके भी वही प्रॉब्लम होगा, आप इनहेल कर सकते हैं इसको भी, तो इसको भी इन सीटू के तौर पर आप बनाएंगे कैसे, देखो अब वो ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, 3 moles ऑफ दिस PCl3, अगर वो ना भी लिखे मुझे बताओ PCl3 किससे बनेगा, मुझे इसके रिएक्टेंट्स बता दो, फॉस्फोरस और क्लोरीन से बनेगा या नहीं बनेगा? जी सर। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P4 सर। P4 और क्लोरीन को आप मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, तो ये आपको क्या बनाकर दे देंगे PCl3, और ये PCl3 फिर OH को रिप्लेस करेगा, तो अगर वो एरो के ऊपर ये भी लिख के दे दे आपको P4 प्लस Cl2, तो समझ जाइएगा PCl3 की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये थे मेथड्स क्या करने के, अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में कन्वर्ट करने के। समझ आ गए हैं सारे? यस। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन पर। अच्छा, ये जो अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल के बारे में याद रखना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल, याद रखना कि अल्कोहल्स जो हैं ये वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक हैं, लेकिन बहुत ही वीक एसिड हैं, एच आयन रिलीज कर सकते हैं लेकिन बहुत कम एसिडिक इन नेचर हैं,
पहले तो इसका मेटल से रिएक्शन देख लो, आपके ख्याल में क्या रिएक्शन होगा दाऊद? सर OH रिप्लेस हो जाएगा। OH नहीं, तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि अल्कोहल आर स्लाइटली एसिडिक, तो मेटल जो है ना जब एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके H को रिप्लेस करता है, ठीक है? देखो ना HCl का जब रिएक्शन होगा मेटल के साथ या H2SO4 का, तो NaCl बनेगा ना, क्या कहते हो? यस सर। तो किसको रिप्लेस करता है मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा? उसके एसिडिक हाइड्रोजन को। यहाँ पर देखो ये NaH को रिप्लेस करेगा, तो ये O नेगेटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी, ये सॉल्ट बन गया। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एथॉक्साइड। अल्कोहल्स जो है ना ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं और ये रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ? ग्रुप वन के मेटल के साथ। Na के साथ रिएक्शन जब होगा तो H को रिप्लेस करेगा और ये सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन याद रखना अल्कोहल्स इतने वीक एसिड हैं कि दे आर अनएबल टू रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं कर सकते भाई, नो रिएक्शन। सोडियम के साथ पता है क्यों कर रहे हैं? सोडियम बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसलिए सोडियम के साथ कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, अब तो वो रिएक्टिविटी इसके पास नहीं है। तो अल्कोहल्स मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते लेकिन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी? यस। अच्छा, अगर वाटर और अल्कोहल की एसिडिटी का आपसे कंपैरिजन करवाया जाए तो आपके ख्याल में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वाटर या अल्कोहल? पहले तो ये देखा जाए जी कि इन दोनों में कंपैरिजन किस बेस पर हो रहा है, क्योंकि दोनों के पास OH ग्रुप है ना, है या नहीं है? आपके ख्याल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये एथेनॉल अल्कोहल या वाटर? सर इतना शोर नहीं हो कि देखो क्यों, आपको पता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड वो होता है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है या जो ज्यादा एच आइन देता है या जो रेडिली एच आइन देता है ना? यस सर। अच्छा, इसमें से जो सा रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये बता दो। यस सर, ज्यादा एच आइन देगा। और जो सा रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में जा रहा होगा वो वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा? वीकर होगा सर। अब जरा देखो, अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये है आपके पास CH3 CH2 O-, व्हाट इज द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर है तो अल्काइल ग्रुप will increase the charge density on oxygen, या नहीं? Yes sir। ये charge density increase करेगा या decrease करेगा oxygen के ऊपर? अच्छा, इसकी nature electron donating है, इसकी nature electron donating है। हाँ जी सर, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इंक्रीज करेगा नहीं, आपको ये पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कार्बोकैटायन में पढ़ लिया ना हमने कि अल्काइल ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यस सर। तो ये चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीज करेगा, बट जब ये चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या ये ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को रेडिली गेन नहीं करेगा? यस सर करेगा। पर क्या अनआयोनाइज अल्कोहल नहीं बनाएगा? यस सर बनाएगा। तो बताओ कहां पर मोर बैकवर्ड रिएक्शन होगा, वाटर के केस में या इस केस में ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन होगा? सर अल्कोहल में, इसलिए दिस इज द वीकर एसिड देन वाटर।
वाटर के अंदर तो देखो वाटर भी वीकर है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो वाटर अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जब आयन बनता है उसका जो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट विल इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा एच आयन को गेन करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ये जो कंपैरिजन है वो ए टू में पूछता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि उसने ये कंपैरिजन इस दफा आपकी बुक पे सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके जहन में होना चाहिए, अगर खुदा ना खासा पूछते आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं जी, अब आ जाओ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पर। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन और देन डिहाइड्रेशन हमने करनी है। पहले डिहाइड्रेशन चले कर लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब पता है सर? रिमूवल ऑफ वाटर ना। अच्छा मुझे ये बताओ अल्कीन की जब हाइड्रेशन करते थे तो क्या बनता था? अल्कीन की अल्कोहल बनता था ना? अल्कोहल बनता था, तो अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा सर? एल्कीन और H2O। हाँ जी, दोबारा वही आपको मैंने कल बताया था कि दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए जब आप वाटर निकालेंगे तो आपके पास दोबारा अल्कीन बनेगा, और जरा इसको देखते हैं कैसे बनेगा जी। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप यूज करोगे टू रिमूव द वाटर? देखें वाटर को निकालने के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें आप Al2O3 यूज कर सकते हो, इसमें आप कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, और हीट देना है साथ में। ठीक है, यस सर। अच्छा पहले तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एथानॉल। ये जी अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ऐसी है? यस सर। याद रखना फॉर द डिहाइड्रेशन यू विल रिमूव द ओएच फ्रॉम अल्फा एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा, बस ये याद कर लो। OH from alpha, H from beta, and carbon-carbon double bond will form between alpha and beta. ठीक हो गया? Yes, sir. अब जरा इसमें थोड़े डिफरेंट केसेस देखते हैं, ये लिख लिया, नोट कर लिया? जी सर, नोट कर लिया। इसको बेशक लिख लो वर्डिंग में कि ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वी रिमूव द ओएच फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। ठीक है, और अब आपने ये अप्लाई करना है डिफरेंट अल्कोहल्स के ऊपर, सेकेंडरी अल्कोहल पर, और टर्शरी को भी देखेंगे कि टर्शरी में क्या डिहाइड्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। जी सर, लिख लिया सर। ये जी वो देखो, या तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखेगा, खुद आपको याद रखना होगा, या Al2O3 लिखेगा। आपको फौरन क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना चाह रहे हैं। चले जी, अब मुझे बताएं कि कहां से क्या क्या चीजें रिमूव होंगी। सर अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा और दो बेटा कार्बन है तो उनमें से एनी से रिमूव हो सकता है ना? यस, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अगर आप बेटा यहां से रिमूव करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटवानी सर? यस सर। और अगर आप बेटा यहां से रिमूव करते हो इधर से तो फिर क्या बनेगा? फिर ब्यूटूइन बनेगा सर।
क्या दो ही आइसोमर बनेंगे या इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? मैं कह रहा हूँ कि आइसोमर दो ही बनेंगे, मतलब पॉसिबिलिटीज दो ही प्रोडक्ट की है या तीसरा भी बन सकता है? सर एक ब्यूट टूइन होगा, ब्यूट अनीन, और सर ये वो बनाएगा ना सिस ट्रांस, ये बना सकता है? आप बताओ, ये तो आपने बताना है। हाइड्रोजन ये सर बना सकता है, CH और कौन सा वाला, ब्यूट वनीन या ब्यूट टूइन? ब्यूट टूइन सर बनाएगा। Yes, तो इसलिए ब्यूटूइन को आप कहोगे कि इट मे बी सिस ब्यूटूइन। कल भी ये डिस्कस हुआ था ना ये? यस सर, हम डिस्कस किया था कल भी। उसके स्केलेटल बनाने से कह दिया आपको मैंने, सिस ट्रांस के स्केलेटल कैसे बनाते? यस सर, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो इसमें आपको ना एमसीक्यू बेटा ये देता है कि सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा और कहेगा बताएं कितने इसमें मैक्सिमम जो है ना पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी। तो आपने तीन पर क्लिक करना है, तीन पर टिक करेंगे, दो पर नहीं करेंगे। अच्छा अब एक और देखते हैं। बताएं जी इसमें क्या बनेगा? सर इसमें OH, नहीं सर OH जगह OH रिमूव हो जाएगा सर, और इसमें सर तीन बीटा कार्बन है, तो इसमें सर फिर तीन वेरिएशन हो सकती है ना, लेकिन सर उन सब का फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सारे नंबरिंग तो फिर एंड में नाम तो उनको सेम ही देंगे ना। हाँ तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ कितने, अब कितने आपके पास प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं? सर एक तो OH रिमूव होगा, मिथाइल प्रोपेन होगा, और सर एक ही होगा, फर्क तो फिर नहीं पड़ेगा ना। होगा उसकी, देखो रीजन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उसकी रीजन ये है कि जो बीटा कार्बन है वो आइडेंटिकल है। देखिए एक जैसे कार्बन से कनेक्टेड नहीं है तीनों बीटा कार्बन, यस सर, तो सेम एनवायरनमेंट में है तो सेम प्रोडक्ट विल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम बनाकर देखते हैं, ये देखें, ये बनेगा OH, ये बना आपके पास प्रोपीन, टू टू मिथाइल प्रोपीन जी, यस सर, ये कार्बन चेन है लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 इसका नाम होगा टू मिथाइल प्रोपीन। अगर आप यहां से रिमूव करते हो दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, यहां से निकाल दो डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के दरमियान बनेगा, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 अगेन बेटा, देखो टू मिथाइल प्रोपीन, समझ आ गया? तीसरा भी यही बना कर देगा या वो भी बताऊं? ये सब सेम ही बना के देगा सर, सेम बना कर देगा। इस दफा भी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी ना ऐसे करके, टू मिथाइल प्रोपीन ये आपकी ब्रांच बन जाएगी। तो टू मिथाइल प्रोपीन मैं बना देता हूँ, देखो OH यहां से निकलेगा, ये आपका बीटा कार्बन है, अगर OH यहां से, हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, तो इन दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा आपका जी सर। 1 2 3 ये बेटा आएगा इधर डबल बॉन्ड, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि आपका मेन चेन वो होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये कार्बन वन, ये कार्बन वन, ये कार्बन टू, ये कार्बन थ्री, तो टू मिथाइल प्रोपीन। तो आप देख सकते हो एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि जितने बीटा कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे, वो आप वो वेरी कर सकते हैं। जिस तरह के पिछले एग्जांपल में बीटा कार्बन थे दो और प्रोडक्ट कितने बने, तीन, सिस ब्यूटूइन, ट्रांस ब्यूटूइन और ब्यूटवानीन। इसमें बीटा कार्बन थे तीन और प्रोडक्ट बना एक, ठीक है। ठीक है जी,
हेलो। ये सर समझ आ गया। अच्छा बाकी चलते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे आ जाओ जी। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर। अच्छा ये आपने चीजें बेटा साथ साथ याद रखनी है। क्या एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता था? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे? सर केमर ऑफ फोर यूज कर रहे थे ना? K2Cr2O7 तो नहीं यूज करते थे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि वो उसको कर ही नहीं सकता। K2Cr2O7 एल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता नहीं सर। कर सकता। इसी तरीके से कल मैंने आपको एक और भी लिखवाया था, फॉर दी रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे? सर आपने तो रिड्यूसिंग एजेंट तो दो ही लिखवाए थे, Li AlH4 और NaBH4। जी दोनों रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये बात कल लिखवाई थी ना। तीसरी चीज कल ये भी बताई थी कि फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली LiAlH4 विल बी यूज्ड। आज जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यू कैन यूज बोथ एसिडिफाइड KNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। बट दोनों यूज किए जा सकते हैं। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप जोन सा मर्जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, ठीक है? जी सर। लेकिन जनरली देखो, एक अगर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम हो रहा है तो आपको स्ट्रॉन्गर डालने की जरूरत नहीं है। तो जनरली हम कौन सा यूज करेंगे बुक में भी और एग्जाम में, वो समटाइम दोनों यूज कर लेते हैं, लेकिन हम जनरली K2Cr2O7 यूज करेंगे, K2Cr2O7 तो वीकर है ना सर। क्योंकि अगर वीकर से हो रहा है तो वीकर को ही हम यूज करेंगे। तो इसलिए अब हेडिंग में दे रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करने जा रहा हूं वो मैंने लिखवा दिया, दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसका अपना कलर क्या होता है पता है? K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर होता है और आफ्टर ऑक्सीडेशन ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी? ओके सर। अगर तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा ना, अगर तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से किसमें चला जाएगा? ग्रीन में। तो ये एक इंडिकेशन होगी कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है? जी सर। और अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, ऑरेंज K2Cr2O7 डालते हैं और वो ऑरेंज ही रहता है, तो इट मींस रिएक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की हेडिंग देते हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ये जी। पर इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, आपको मैंने बताया था कि जब भी ये एटॉमिक ऑक्सीजन हो तो समझो इसके पीछे सोर्स क्या है, एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो K2Cr2O7 है। अब जी यहां सर। बेटा समझने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन कैसे होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरा ध्यान से सर सुन लें। मैं पहले इसको लिखता हूं हीट अंडर रिफ्लक्स, ये लिख रहा हूं, ठीक है जी? हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं पूछ रहा था। अच्छा, मैं ना बेटा इसको पहले लिख रहा हूं हीट अंडर रिफ्लक्स,
कि क्या चीज बनी। देखो जब भी आपने, या पहले मैं इसको हीट अंडर रिफ्लक्स के बजाय, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको पढ़ानी है, हीट अंडर रिफ्लक्स भी पढ़ाना है और हीट अंडर डिस्टिलेशन भी कराना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको हीट अंडर डिस्टिलेशन करवाता हूँ। हीट अंडर डिस्टिलेशन का मतलब भी समझाऊंगा अभी, क्या मतलब है इसका। लेकिन अभी ये बात बेटा लिख लो आप कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम OH एंड सेकेंड हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। जब भी आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है तो यू विल रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम OH, एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे H, OH के H से, और सेकेंड हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे फ्रॉम अल्फा कार्बन। जी सर। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन होगी। और मुझे ये बताओ कि डबल बॉन्ड किसके दरमियान आ जाएगा अभी? सर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। जी बेटा, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनने जा रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, याद रखो प्राइमरी अल्कोहल हीट अंडर डिस्टिलेशन इट गिव्स एल्डिहाइड। मतलब मैं भी समझाता हूँ डिस्टिलेशन का, ठीक है। पहले बताओ रिएक्शन समझ आ गया, कहाँ से क्या चीज रिमूव होगी? यस सर। अच्छा ये बात याद कर लो, अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी, प्राइमरी नहीं, जब भी किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है OH से और दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करना है अल्फा कार्बन से। ये बात याद करने वाली है, ठीक है। बीटा नहीं यूज होगा, बीटा नहीं यूज होगा। एक H रिमूव करना है OH के H से, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करना है अल्फा कार्बन से, और डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये देखो ये एल्डिहाइड बन गया। डिस्टिलेशन का मतलब समझ लो, ये बेटा आपका था इस प्राइमरी अल्कोहल, इसमें आपने डाला K2Cr2O7 और इसको आप कर रहे हैं हीट। डिस्टिलेशन का मतलब है कि आपने बेटा यहां पर इसको सेपरेट करना है, डिस्टिलेशन सेपरेशन को कहेंगे। सॉरी डायग्राम जो है ना थोड़ी सी मैं चेंज कर दूं। ऊपर से बंद है, राइट? ठीक है, बताओ दाऊद जब ये हीट करूंगा और ये अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या चीज बनेगी, बताओ? एल्डिहाइड बनेगा या नहीं? यस सर। अच्छा याद रखो ऑर्गेनिक रिएक्शन बड़े स्लो होते हैं, ये नहीं होता कि सारा एल्डिहाइड, सारा अल्कोहल एल्डिहाइड में चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो अभी रिएक्शन मिक्सचर में ना आपके पास दोनों चीजें हैं, एल्डिहाइड भी कुछ बन रहा है और साथ में अभी कुछ अनरिएक्टेड अल्कोहल भी है, राइट? बताओ हीट कर रहे हो तो पहले वेपर्स किसके बनेंगे, अल्कोहल के, एल्डिहाइड के? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें स्ट्रॉन्गर होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है इनमें से, एल्डिहाइड या अल्कोहल? सर अल्कोहल बना सकता है ना, अल्कोहल, उसके पास OH ग्रुप है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH का अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो एल्डिहाइड है वो क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो एल्डिहाइड के वेपर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? यस सर बनेंगे। और ये एल्डिहाइड यहां पर बेटा इधर आ जाएगा, ये कंडेंसर है बेटा, दिस इज कंडेंसर। तो ये एल्डिहाइड बेटा दोबारा लिक्विफाई होकर इधर नहीं आ जाएगा इस रिसीविंग फ्लास्क में? यस सर। इसका फायदा पता क्या हुआ, आपने एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचा लिया, एल्डिहाइड को आपने फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं एल्डिहाइड को यहां से ना निकालता ना, अगर एल्डिहाइड के वेपर्स ना इधर आते तो एल्डिहाइड ने फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाना था और एक नया प्रोडक्ट बनना था। लेकिन ये बात आप याद रखो कि ये है अपरेटस हीट अंडर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे एल्डिहाइड बनेगा आप वैसे वैसे एल्डिहाइड को सेपरेट करते जाओगे, एल्डिहाइड सेपरेट होते जा रहे थे, ठीक है। जी ठीक है,
हेलो यस अच्छा ये जो रिएक्शन याद कर लो वर्ड इक्वेशन प्राइमरी अल्कोहल हीट अंडर डिस्टिलेशन मतलब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे हीट अंडर डिस्टिलेशन में तो एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हीट अंडर डिस्टिलेशन तो क्या चीज बनेगी एल्डिहाइड एल्डिहाइड बनेगी अब जरा देखो फर्क क्या है मैं अगर यहां ये करता कि मैं हीट अंडर डिस्टिलेशन ना करता जरा प्रेशर पहले देखना फिर मैं रिएक्शन भी आपको लिखवा दूंगा ये ऊपर से बेटा ओपन है ये अल्कोहल है ये K2Cr2O7 है और ये आप इसको हीट कर रहे हैं मुझे ये बताओ ये अपरेटस कौन सा है ये अपरेटस कौन सा है हीट अंडर डिस्टिलेशन है या हीट अंडर रिफ्लक्स है यहाँ कोल्ड वाटर है या यहाँ हॉट वाटर सर इसमें वापस आएगा ना मतलब हीट अंडर रिफ्लक्स है या नहीं यस सर मेरी बात सुनो यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनेगा उसके वेपर्स बनेंगे लेकिन ये एल्डिहाइड वापस कहाँ आ जाएगा कंडेंस होके वापस आ जाएगा सर रिएक्शन मिक्सचर में ये देखो हाँ ये देखो जब ये एल्डिहाइड वापस कंडेंसर में आएगा तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी K2Cr2O7 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो पता है कि ऑक्सीजन किधर आएगा इसके दरमियान में जी सर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड सर अब एक बात याद रखना वो ये अभी इक्वेशन मैं आपको बनाकर बताता हूँ इक्वेशन कैसे लिखनी है डिफरेंस जरा देखिएगा अगर तो वो देता है ये प्राइमरी अल्कोहल पहले इसको ओपन करके चले लिखता हूँ अगर तो वो देता है आपके पास यही प्राइमरी अल्कोहल ऐसे करके और कहता है जी कि इसकी ऑक्सीडेशन कराएं और ऊपर लिखता है हीट अंडर डिस्टिलेशन तो आपने कहां पर रिएक्शन स्टॉप करवा देना है हीट अंडर डिस्टिलेशन तो एल्डिहाइड बनाने के बाद एल्डिहाइड बनाने के बाद आप रिएक्शन को स्टॉप करवा देंगे बस क्योंकि आपने वो सेपरेट कर लिया ना जी सर लेकिन अगर वो ये लिखता है आपने ये लिया अल्कोहल और ये हीट अंडर रिफ्लक्स हो रहा है तो हीट अंडर रिफ्लक्स में 2 moles एटॉमिक ऑक्सीजन यूज होंगे और ये जो आपका बेटा यहाँ पर अच्छा मैं पहले इसको भी स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ ठीक है चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप फिर इकट्ठा भी लिख दूंगा पहले तो ये होगा कि यहां से निकल जाएगा एल्डिहाइड बनेगा नहीं बनेगा यस सर एल्डिहाइड बनेगा लेकिन क्योंकि एल्डिहाइड सेम ही बीकर में जाएगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड सर अब आपने ये बात याद रखनी है ये जो दो रिएक्शन मैंने लिखे हैं ना ये असल में हीट अंडर रिफ्लक्स में हो रही है ये है हीट अंडर रिफ्लक्स तो इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे देख लो आप खुद भी इक्वेशन बना सकते हो कि इकट्ठा लिखने के लिए बस ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और आप उसको ऐसे लिखोगे CH3CH2OH प्लस 2 moles ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन एक ये और एक ये इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर और इसके ऊपर लिखना है कि दिस इज हीट अंडर रिफ्लक्स ये बात समझ आई है दाऊ कि प्राइमरी अल्कोहल में दो हैं प्राइमरी अल्कोहल हीट अंडर डिस्टिलेशन में एल्डिहाइड बनाता है हीट अंडर रिफ्लक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ठीक है ये बात या नहीं हाँ जी दाऊद यस सर सर समझ आ गई
अब आ जाओ सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, वो लास्ट में लिखा नहीं है, ये वाला। हाँ ये सब ठीक है, लिख लिया। यस सर। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ये? नो सर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, बस ये लास्ट रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, पहले तो सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो। ये होता है जी, अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल ग्रुप्स, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है बेटा। आपको बताया था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए एसिडिफाइड K2Cr2O7, हीट अंडर रिफ्लक्स। बताओ कहां से क्या क्या चीजें रिमूव होंगी, क्या बताया था? जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या क्या चीजें रिमूव करनी है? सर OH में से हाइड्रोजन रिमूव करना है, अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करना है, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाना है। ऐसे ही होगा देखो। यस सर। ये बताओ कि जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या प्रोडक्ट बना है? तो सर ये कीटोन बना है सर। ये भी बड़ा बड़ी लिखोगे लिखो आप कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन बनेगा। जी सर, ठीक है। यस सर। अब हमारा इसमें रह गया सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इंशाल्लाह कल की क्लास में हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो फिर एल्डिहाइड कीटोन रह जाएगा, राइट? और इनऑर्गेनिक मैंने आपको कहा आपने मेरे साथ भी स्टार्ट कर देना है इस वीक से। इनऑर्गेनिक हम शाम को स्टार्ट करेंगे 10 से 11 वाली क्लास में, ठीक है? ओके सर, ठीक है दाऊद। इन रिएक्शन को याद करना है, ठीक है? इन रिएक्शन को याद करना है, कल मैं पहले ये रिएक्शन पूछूंगा फिर हम आगे चलेंगे। जी सर। कल और आज हमने टोटल जो है ना तकरीबन 15 रिएक्शन किए आपने 3-4 दफा लिखने हैं खुद बार बार, तब आपको बेटा ये याद हो जाएंगे। जी सर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।